स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज सीरीज ईच टर्म हैविंग आर फैक्टर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस टाइप की अगर सीरीज हो तो वो किस तरह से लिखी जाएगी, या अगर लिखी हो तो कैसे हम उसे पहचान सकते हैं। जैसे देखें, ये एक हमारे पास सीरीज है जिसमें अगर आप फर्स्ट टर्म देखें तो इसमें 3 × 5 × 7 × 9 लिखा हुआ है, मतलब फैक्टराइज हुई हुई है ये टर्म, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने हैं जी, वो 4 है, ठीक है। तो फैक्टर्स की तादाद है 4। इसी तरह से अगर आप इस टर्म को देखें तो इसमें भी 4 ही फैक्टर, इक्वल फैक्टर्स की तादाद। इसी तरह से नेक्स्ट में भी 4 फैक्टर आने थे, इससे नेक्स्ट भी, तो ये अप टू एन टर्म्स हैं। तो ये वो सीरीज है। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं वो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या इसका मतलब हुआ, देखें इनमें जो कॉमन डिफरेंस चला आ रहा है वो कितना है, जैसे 5 का 3 से डिफरेंस 2 है, या 7 का 5 से, या 9 का 7 से 2 ही है, या इधर भी आप देख लें तो आपको यही डिफरेंस नजर आएगा। तो ये एक खास टाइप की एक सीरीज है। अब इसका अगर सम करना हो तो ये किसके इक्वल होगा, फर्ज करें ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। और अगर हम इसे इनका अगर सम करें इन दोनों का, तो ये मैनुअल तो हमें सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक है। मतलब इन इन नंबर्स को आप प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। इसे मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास A1 है, A sub 1 है, ठीक है, और ये मेरे पास A sub 2 है, ठीक है। तो ये मेरे पास ये नंबर कितना बनता है जी, अगर इनको कैलकुलेट कर लें, इसे हम कैलकुलेट कर लें, तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर, चले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन कर रहा था, देखें यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3 × 5 × 7 × 9, ठीक है। ये कितना बना, 945। जबकि अगर हम इनको देखें, इन प्रोडक्ट को देखें, तो ये क्या बन रहा है, 5 × 7 × 9 × 11, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बना, 3465। तो मेरे पास जो सम ऑफ टू टर्म्स बनेगा, A1 + A2, इन दोनों का सम अगर कर लिया जाए, ठीक है, 300, 465, तो इसमें अगर आप ऐड कर रहे हैं 945, तो ये हमारे पास क्या बना, 4410, ठीक है। अब देखें, ये तो एक एक वे हो गया कि हम अलग अलग फाइंड। अब अगर हमसे कोई कहे कि आप इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं एन, वो अगर 75 हो, इनका सम बताएं, तो ये अब हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया, ये सिग्मा समीशन यू एन है, और इसमें एन वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 टू सम स्पेसिफिक नंबर, ठीक है जी। अब ये सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स के इन टर्म्स का सम कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हमने एक फार्मूला जो ड्राइव किया वो ये है कि इसमें nth टर्म जो भी बनेगी हमारी, ठीक है, जारी बात हम जनरल टर्म फार्मूला से भी इस अपने गिवन सीक्वेंस की nth टर्म बनाएंगे, देन इसमें जो फैक्टर्स बने हुए हैं nth टर्म के जितने फैक्टर है लिखेंगे, लेकिन उससे एक नेक्स्ट फैक्टर खुद लिखेंगे उसी तरह से जो बनना चाहिए। जैसे अगर चलें इसकी सेकंड टर्म 11 तक है, तो इसमें इसका एक फैक्टर 13 हम खुद बनाएंगे, वो नेक्स्ट फैक्टर होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर इन ईच टर्म जो कि 4 है, और इसमें 1 एक्स्ट्रा एड होगा, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस, जो फैक्टर्स में कॉमन डिफरेंस है 2 का उससे, तो ये एक हमारा आंसर आएगा। और उसमें प्लस सी हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे, जो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इस तरीके से फाइंड करते हैं कि हम इसमें एन को 1 पुट करते हैं, अपने सबसे पहले गिवन जो क्वेश्चन है उसमें एन को 1 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है, इस फार्मूला में, और जो सीरीज गिवन है उसकी वैल्यू उसको दर्ज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है सी की वैल्यू फिर आ जाती है, ठीक है, फॉर फाइंडिंग, या मैं लिख भी देता हूँ फॉर फाइंडिंग सी। इस तरीके से हम ये मतलब इस फार्मूला को यूज करते हैं। चले मैं अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइंड लिख रहा हूँ। हमें सम याद रहे कि ये 4410 बनता है, ठीक है जी, बल्कि इतने से पोर्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और हम इसको स्क्रीन से यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब एन को मैं 1 पुट कर रहा हूँ, और आपको सिर्फ एक चेक कराने के लिए कि ये आंसर हमारा 4410 ही आता है, ठीक है, तो इसमें हम n को 1 लिख रहे हैं। जब हम n को 1 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी जो कि A sub 1 थी, जो कि 3 × 5 × 7 × 9 है, ठीक है, जबकि यहाँ पर nth टर्म क्या है, n means के इसमें तो हम n 1 ही पुट कर रहे हैं, तो यही टर्म दोबारा आएगी, चूंकि हम 1 टर्म ही की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 3 × 5 × 7 × 9 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट फैक्टर जो कि 11 बनेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस जो कि 2 का, और प्लस कांस्टेंट, ठीक है जी। अब देखें, ये हमारे पास 3 × 5 × 7 × 9 आ गया, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये 5 बनता है,
5 इस 5 को कैंसिल कर देगा, यहां पे रह जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को, इन तमाम वैल्यूज को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है, माइनस 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 ओवर 2, ये इक्वल टू आ जाएगा सी के, ठीक है। तो सी की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, ठीक है, देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम जो है 2 आ जाएगा, मींस के यहां पे मुझे खुद से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। अब ये नंबर क्या बनता है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9, ये बनता है 1890 1890, और माइनस इसमें हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11, ये बना 2000 एंड 2079, और अब इनका डिफरेंस लेंगे हम, तो ये हमारे पास बन रहा है, चलें ये स्क्रीन को मैं थोड़ा सा डाउन ले आता हूँ, हमें अवेलेबल होना चाहिए कैलकुलेटर भी देखना हमने, चलें यहाँ पे हम देखते हैं, ऐसे नंबर है जी 1890 माइनस 2079, ठीक है, यह आ गया नेगेटिव 189 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 94.5, नेगेटिव 94.5, ठीक है जी, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। अब हम जो गिवन फार्मूला है उसमें सी की वैल्यू 94.5 लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर माइनस 94.5, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन को मैं रेस कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब जो मेन हमने अब अपना क्वेश्चन करना, आपने ये आपका एक नीट वर्क किया है, क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, मुझे यहाँ पर स्पेस अवेलेबल था इसलिए मैंने रेस किया। अब देखें इसमें हम सम टू टर्म्स के लिए फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम एन इक्वल टू जो है वो 2 पुट करेंगे जबकि सी की वैल्यू हम ये लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो सम ऑफ टू टर्म्स आएगी वो एस सब टू लिखेंगे, ठीक है, या यू वन प्लस यू टू भी लिख सकते हैं। अब देखें इसमें हमारे पास एनएथ टर्म है जी 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाय एक नेक्स्ट फैक्टर 13 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1, ये 5 बनता था अभी हमने कैलकुलेट किया है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और प्लस करेंगे सी को जो कि नेगेटिव वैल्यू 94.5 को, ठीक है। अब अगर इस, ये देखें 5 5 से कैंसिल, अगर इस नंबर को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये कितना बनता है, चलें यहां पर लिखते हैं, इसमें 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 था, ठीक है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये नंबर आ गया, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो ये बना 4500 4.5, और इसमें से हम 94.5 माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे 94.5, तो ये बन गया 4410 4410, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आया। इसलिए अब इसी फार्मूला को मैं जो है वो नेक्स्ट अपने प्रॉब्लम्स में जो है वो अप्लाई करूंगा, और अभी हम इसकी जो डेरिवेशन है वो इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, और अब हम एक जनरल कोई सीरीज लेंगे, जिससे यहाँ पर एक सीरीज है, इस तरह की एक एन फैक्टर्स वाली सीरीज होगी इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके लिए सम का जो फार्मूला वो मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा।